बसमिल्लाम्स नाजीन आप देख रहे हैं 92 टू एट एट विद नाजीन आज डीजी आई एस पी आर लेफ्टिनेट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कराची ऑपरेशन के हवाले से जो अभी तक वहाँ पर रेंजर्स के अचीवमेंट्स हैं या अभी तक जो कार्रवाइया की गई हैं और क्या अहम कामयाबियां उसमें हासिल हुई हैं उस हवाले से ब्रीफ कर रहे थे और डिटेल्स बताने का मकसद ये भी बताया गया कि दौरान कार्रवाई क्योंकि ये चीजें उस तरीके से आवाम के सामने या मीडिया पर आकर खुलिया

उस हवाले से भी उन्होंने बताया कि तीन ग्रुप्स जो हैं वो उसमें मुलविस हैं और वो नेटवर्क तोड़ दिया गया है और उनके अहम लोग जो हैं वो गिरफ्तार भी किए गए हैं कुछ मारे भी गए हैं और इस हवाले से जिन वाकयात का उन्होंने जिक्र किया उसमें कामरा एयरबेस पर हमला था कराची एयरपोर्ट पर हमला था आई एस आई के हेडक्वार्टर पर कोर कमांडर पर हमला और चौधरी असलम साहब पर जो हमला किया गया था उस हवाले से अहम गिरफ्तारियां भी हुई हैं और साथ ही साथ जो मुमकिन किसी हमले की मनसूबा बंदी की जा रही थी उसमें उन्होंने जिक्र किया हैदराबाद जेल के हवाले से कि वहां जेल ब्रेक हो सकता था और दहशतगर्दों की जानब से नबे फीसद जो काम था मनसूबा साजी का वो मुकम्मल कर लिया गया था जिसको नाकाम बनाया गया है एक अहम बात जो डी जी आई एस पी आर ने की कि फौज की जो कमिटमेंट है जिस तरीके से आर्मी चीफ बार बार कराची का दौरा करते रहते हैं फौज की कमिटमेंट उन्होंने कहा कि कराची के अवाम के साथ है और जब तक ये ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होता जब तक कराची में मुकम्मल तौर पर अम जो है वो बहाल नहीं होता तब तक ये कार्रवाइया इसी तरीके से जोरों शोर से जारी रहेंगी एक तो आज इस हवाले से बात करेंगे और दूसरा अहम फिनमिना जो गुजश्ता चंद रोज से हम सुन रहे हैं और उस पर भी काफी को शुभात हैं कि आया ऐसा है या नहीं है वो है दाइश का मामला आई एस का मामला उसमें यह कहा जाता है जिस तरह अभी पिछले दिनों हमारे सामने आया डी जी आई बी ने बात की कि यहां पर खतरा मौजूद है लेकिन वजीर दाखिला चौधरी निसार के मुंह से हम बार बार सुन चुके हैं कि ये कोई बड़ा खतरा नहीं है और फॉरन ऑफिस के हवाले से बात करें तो उनके जो तर्जमान हैं वो भी यही कहते हैं कि यहाँ पर इतना बड़ा खतरा अभी नहीं है क्या आया ये खतरा है नहीं या खतरा होने के बावजूद इसको इस तरीके से महसूस नहीं किया जा रहा या नज़रअंदाज किया जा रहा है मुख्तलिफ वजूहत की बुनियाद पर आज इन तमाम पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम में मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड अमज शेब साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशीफ आवरी का डिफेंस एंड पोलिटिकल हैं आप आपके साथ मौजूद हैं अंसार अबासी साहब सीनियर सहाफी हैं एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ के आपकी तशरीफ आवरी का भी बेहद शुक्रिया और कराची में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इकराम सहगल साहब आप रिनाम डिफेंस एनालिस्ट हैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं इकराम सहगल साहब आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं जिन्हें सब आपसे आगाज करते हैं सबसे पहले तो कराची के हवाले से बताइएगा जो आज डीजीआईएसपीआर ने हमारे सामने अचीवमेंट्स रखी कराची के हवाले से क्योंकि मुख्तलिफ आरा सामने आ रही है कुछ लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहे हैं कि जो फोकस होना चाहिए जो राह का तयन किया जाना चाहिए शायद अभी वहा नहीं गए सिर्फ कराची के हवाले से भी मुख्तलिफ़ ऐसी जगह हैं जिनको अभी छोड़ दिया गया है आपको क्या लगता है, है कामयाबिया बयान की कितनी अहमियत देंगे आप इसे देखिए जहाँ तक कराची का रेंजर्स के ऑपरेशन का ताल्लुक है उसके बारे में तो तकरीबन वक्ता फिर वो खुद अपने प्रेस रिलीज इशू करते रहे हैं बल्कि मुख्तलव वक्तों में उसका जिक्र आता रहा है ब्रीफिंग्स भी होती रही और फिर उसका एक रिज़ल्ट मौजूद है कि कराची में आपको अमन नजर आया काफ़ी हद तक उसके शवाहद हैं मुख्तलि वक्तों पर त्यौहारों पर ईद है या योम आज़ादी वगैरह हमने देखा कि लोगों ने बड़ पुरसकून तरीके से मनाए तो उस लिहाज से तो रिज़ल्ट उसके मौजूद हैं जो बजाते खुद एक गवाही है कि कराची का ऑपरेशन जो है वह दुरुस्त सिमत में जा रहा था प्रॉब्लम्स आई हैं कराची के ऑपरेशन में उस वक्त जब रेंजर्स ने पहली दफ़ा डॉक्टर आसम पे हाथ डाला और उस वक्त चूँकि उन्होंने तो टेररिज्म के नुकता निगाह से पकड़ा उनको लेकिन डॉक्टर आसम ने चूँकि वॉल्टरली अपने पैसे के लिंक्स भी बताए क्योंकि फंडिंग टेररिज्म की उसमें मौजूद थी तो उस वक्त फिर ये वावेला मचना शुरू हुआ कि रेंजर्स जो हैं ये इनका कोई राइट नहीं इनका कोई वो काम प्लिटिकल नहीं पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन कह लें या वो रेंजर्स का ये मैंडेट नहीं है वो भी बिल्कुल और फिर रेंजर्स के ऊपर वो पाबंदी वगैरह लगाने का किस्सा आ गया तो उस लिहाज से शायद लोगों के जहन में कुछ अभाम हो या शिकायत हो रेंजर्स ने कोई खास तौर पे किसी मेरा करप्शन के केस को नहीं जाके फॉलो किया उन्होंने एक्सीडेंटल करप्शन जो सामने आई इंसीडेंटल जैसे कहते हैं या ये कि जहाँ चाइना कटिंग या कुछ और ऐसी चीज़ें थी जिनका के माफियाज़ के साथ ताल्लुक़ था जो वहाँ पे उन्होंने हाथ डाला और अब लोग शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इसके बाद रेंजर्स जो हैं वो उस परसू करेंगे इसी केस को या इसी इन्हीं चीज़ों को जहाँ करप्शन पकड़ी जाएगी वो नेचुरली उनका काम नहीं है और उसमें शायद लोगों को ये ख्याल हो कि वो नहीं उधर उधर तवज्जो नहीं है लेकिन इसके साथ साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप इसकी लिंकेज करते हैं एक तो उन्होंने रेंजर्स की ब्रीफिंग दी कि उनकी अचीवमेंट्स हैं लेकिन ये लोगों के जहन में बहुत बड़े सवाल थे कि मेहरान बेस का इतना बड़ा वाक्य हुआ कराची का इतना बड़ा वाक्य हुआ किया वो कराची एयरपोर्ट का हुआ जब ऐसे ऐसे बड़े वाक्यात हुए तो फिर साल साल डेढ़ डेढ़ साल गुजर गया उसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं तो जब लोग ये सोचते हैं कि जी इतने बड़े वाकत के बारे में कभी कोई जिक्र नहीं आया तो एहसास यही होता है कि ये जो जिन लोगों ने किया वो हमारी दशरथ से बाहर हैं हमारी रीच से बाहर हैं ठीक है, है। चुनाचे आज एक उन्होंने जो इनकशाफ किया और ये बताया कि 97 लोग और तीन बड़े ग्रोह पकड़े गए और उनके सरगने

बट उसमें यह बताया जाता है कि नईम बुखारी आ, को जो पकड़ा है और उसके सर की कीमत भी दो करोड़ थी और डैनियल पर्ल के कत्ल का जो मुजरम वहाँ ऑलरेडी मौजूद है उमर शेख उसको इन्होंने जाकर रिलीज कराना था छुड़ाना था वहां से रिहा कराना था तो फिर सवाल तो ये भी उठता है कि नईम बुखारी को तो पहले भी पकड़ा था उसको क्यों रिहाई मिली अंडर वर्ड सरकमस्टांसिस और जो शेख उमर अंदर मौजूद है वो 12-13 सालों से मतलब ये केसेस मंतक के अंजाम तक ही नहीं पहुंचते हैं देखें इसमें पहली बात तो ये है कि अगर आपने कन्वेक्शन आपको रिक्वायर्ड है तो उसके लिए हमारे क्रिमिनल सिस्टम हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें कुछ सीरियस फ्लॉज हैं एक तो वो एड्रेस करने की ज़रूरत है कि देखें कोर्ट से ये एक्सपेक्ट करना कि वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ के कहने के ऊपर बेशक पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ कर रही हैं या फौज कर रही है उनके कंक्लूजनस के ऊपर किसी को सजा देंगे तो ऐसा होता नहीं है बिकॉज जो जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या कोर्स जिन बेसिस के ऊपर काम करते हैं सबसे ज़्यादा वो शक का जो फ़ायदा होता है वो अक्यूज़ को देते हैं तो उस उस सिलसिले में देखें ये जितने भी लोग और ये पहले भी बातें होती रहीं पीपल्स पार्टी बहुत बातें करती रही और बहुत से लोग बल्कि मिलिट्री की तरफ से भी बातें ऐसी आती रहीं कि बहुत से अक्यूज़ जिन्होंने बहुत बाद में बड़े सीरियस क्राइम्स किए उनको पहले पकड़ा गया कोर्ट्स के सामने पेश किया गया लेकिन वो छोड़ उनको छोड़ दिया जाता था रहा तो विदाउट साउंड प्रोसिक्यूशन और विदाउट कंक्रीट एविडेंस आप लोगों को नहीं uh, मतलब कन्विक्ट नहीं करा करार दिलवा सकते कोर्ट ऑफ लॉ से तो ये वो फ्लॉज हैं जिनको देखा जाना चाहिए जिनको एड्रेस करने की जरूरत है हमारी फेडरल गवर्नमेंट को भी हमारी प्रोविंशल गवर्नमेंट्स को भी लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो तवज्जो और या जो इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और जो इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड है वो हमें नज़र नहीं आई अभी तक ठीक तो ये तो उसका उसका है कि जी किस वक्त और ये रिजल्ट उसी वक्त होगा जब हम अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ओवरऑल करेंगे जिसका वादा किया गया था और फिर मैं आपको ये मैं बताऊंग लिखा भी है कि आपने देखे पिल uh, आपने कहा कि हम 21st कर रहे हैं। और आपने बना दी और मिल्ट्री कोर्स बनाई आपने फॉर टू ईर्स एक साल से ज्यादा गुजर गया सात जनवरी दो हजार सत्रह में ये टाइम हाँ हाँ हो जाएगा हाँ। हाँ। मुझे बताएं उसके बाद हम क्या करेंगे आप और, और गिला तो यही था ना कि चूंकि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतना इफेक्टिव नहीं है कि वो इन लोगों को सजाएं दे सके की तो मुझे बताएं कि आप ना डिपोलिटी पुलिस को कर रहे हैं ना आपने को उस तरह किया ना आप अपने जो अदालतों का भी उन, उनका भी एक रोल है तो ये जब ओवरऑल जो बेहतरी लाना लाने की जरूरत है वो हम क्यों नहीं लेके आ रहे रही मेरी नजर में ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है मैं ये नहीं कह रहा कि सिविल गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया मैं आपको बताऊँ ये जितना भी रिजल्ट्स हमने मिले हैं ये ये कलेक्टिव एफर्ट थी बंदूक से लड़ी फौज और पुलिस भी काफी सवाल खासकर पंजाब की हद तक भी उठना शुरू हो जाते है। हैं कार्रवाई इस हवाले से लोगों को पकड़ने के हवाले से कलदम तंजीमों की नजर नहीं आती है नुकात उठाए क्राम सहगल साहब आपकी तरफ लेकर आऊंगी जो अभी बात कर रहे थे बासी साहब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से वो आपका कमजोर है मिलिट्री कोर्स भी फिर इसी लिए बनाए भी गए आज एक और बात भी की जा रही थी नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र करते हुए आसिम बाजवा ने कहा कि भी सरे है। उस हवाले से हमें कोई सब देखते हुए आसिम बाजवा फौज के हवाले से चलें कहते हैं कमिटमेंट है कराची के आवाम के साथ या मुल्क के आवाम के साथ बट ये चीजें जब इन पर अमल दरामद नहीं होगा तो इसके बाद फौज का ऑपरेशन खत्म हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे साधिया जस्टिस ओलिवर बेंडल होम्स की एक बड़ी फेमस वो है क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर की कॉन्सेप्ट वो कहते हैं कि अगर एक सिनेमा हॉल में लोग बैठे हैं और एक आदमी खड़ा होता है वहाँ पर बोलता है आग आग तो लोग भागते हैं लोग भागते हैं एग्जिट की तरफ और कोई बीस पच्चीस आदमी मर जाते हैं तो आप किस कानून के मुताबिक उस आदमी को चार्ज करेंगे वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नीचे उसने आग आग बोल दिया ठीक है जी लेकिन उसने क्राइम कमिट किया है और ये वही अगर एक और उसकी मिसाल दें कि कोई भी आ, किसी भी कंट्री में कैनिबल का कोई लॉ नहीं है कि कैनिबल ह्यूमन बींग्स को नहीं कर सकता लेकिन आपको उनको करना पड़ेगा तो आप ठीक है अनसार साहब बिल्कुल ठीक बोलते हैं मिलिट्री कोर्ट भी बिल्कुल बनाया गया लेकिन आपको जो उससे आगे कार्रवाई करना चाहिए था कि आपने सुओ मोटो आपने कार्रवाई करना था उस पर आप गुरेज कर रहे हैं और पर्टिकुलरली पब्लिक परसेप्शन में जो नोन केसेज हैं जो फॉर एग्जांपल डॉक्टर आसिम का है उजैर बलोच का है जुल्फार मिर्जा का है ये तो जी बिल्कुल ओपन एंड शट केसेस हैं कौन नहीं जानता कि पीपल्स अमन कमेटी ने कराची में क्या किया था कौन नहीं जानता आप एम को ब्लेम करते हैं एम ठीक है आपने कार्रवाई एम के खिलाफ किया आप उनके काफ़ी टारगेट किलर्स को आपने पकड़ा और आपने उनको बोलते हैं कि काफी उनकी बोलते डीफैंग कर दिया उनकी मिलिटेंट विंग को लेकिन एट द सेम टाइम आपने पीपीपी के जो मिलिट्रेन विंग थी पीपल्स अमेन कमेटी उसके खिलाफ जब आपके पास सबूत है इंटेलिजेंस आपने कुछ नहीं किया और आप क्यों क्यों कर सकते हैं क्योंकि आपकी जो गवर्नमेंट इन पावर है वो ये कहती है कि जी अगर प्रोसिक्यूटर हमें पसंद नहीं है अगर जो कर रहा है हमारे किसी पोलिटिकल के खिलाफ और हम प्रोसिक्यूटर को भी चेंज कर दें और किया भी उनने डॉक्टर आसम के केस में प्रॉब्लम यह है वेरी सिंपल कि आपको वो कदम उठाना पड़ेगा जो इनको पसंद नहीं है और आर्मी को ये देखना पड़ेगा कि उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो लूज कर रही है जो आसिम बाजवा साहब आए हैं वो कदम उठाना और... पड़ेगा जो पसंद नहीं है जो पसंद नहीं है और वो ये है कि जी यहाँ पर एक तरह का आपको लोकल मार्शल लॉ या उसकी इमरजेंसी रूल आपको उसके मुताबिक करना पड़े देखिए आप ये कार्रवाई ऑलरेडी पाकिस्तान में कर रहे हैं आखिर फाटो में आप किस तरह कर रहे हैं फाटा में तो आप बॉम्बिंग कर रहे हैं आप प्रसिशन बॉम्बिंग कर रहे हैं आप अर्टिलरी इस्तेमाल कर रहे हैं आप पूरी ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान के किसी शहर में तो आपने शहरी पर आपने कार्रवाई की हुई है तो आप क्यों गुरेज करते हैं यहाँ पर क्या वजह है कि जो नॉन क्रिमिनल्स हैं जो नॉन क्रिमिनल के सपोर्टर्स हैं आपने उनको दुबई जाने दिया वो पचास साठ लोग बैठे हैं दुबई में आप किसको आप ठीक तो तो आप ठीक आप है।, है तो कहते हैं हैं जो जो सिविलियन लोग हैं हमारे वो ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा हैं ब्रेक ले लें और ब्रेक से वापस आकर इकराम सहगल साहब ने जो कहा कि एक हल एक चारा जो इसका दिखाई देता है एक लोकल मार्शल लॉ उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी यूज की इस हवाले से बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशाम जनरल साहब जो इकराम सहगल साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले बातें की एक तो इन्होंने अदलिया के हवाले से कि वहां पे भी अब आपको जो एक जमाने में रीत चली आ रही थी सो मोटो नोटिस की वो भी इन केसेस के हवाले से नजर नहीं आते फिर दूसरी तरफ अगर हम अपनी सियासी हुकूमतों पर आ जाए हुक्मरानों की तरफ आ जाए चाहे सूबों में हुकूमत है विफाक में हुकूमत है वहां से भी किसी के अपने अपने रीजन है कि अगर मैं कुछ करूंगा तो कल को मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है यानी हर कोई गुरेजा नजर आ रहा है तो ऐसे में हल इकराम सहगल साहब बताते हैं लोकल मार्शल लॉ देखिए बात यह है कि जिस सेंस में वो कह रहे हैं वो शायद उनके जहन में यह है कि टफ़ किस्म का कोई ट्रीटमेंट मिले वहाँ पे लेकिन मुश्किल ये है कि आपने देखा कि पहले भी मिलिट्री रूल वक्तन फ़क्ता आते रहे और फिर कोई उसका एंड रिजल्ट ऐसा नहीं निकला जिससे कि हमारी आगे कोई भलाई हुई हो उससे और अल्टीमेटली जो जिस चीज़ ने सहारा दिया मुल्क को या आपके निज़ाम को वो अच्छा या बुरा वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं दिया कि जो एक आइन के तहत आपको चलता नज़र आए आइन में जो लोकल माशा है उसकी गुंजाइश यही है कि हुकूमत पाकिस्तान उसको वहाँ पे इम्पोज़ करें अगर गवर्नमेंट खुद इम्पोज नहीं करती तो आर्मी डायरेक्ट उसकी कोई अथॉरिटी पाकिस्तान या आप आपको याद होगा जुल्फकार लाहौर और कराची में मारशा लगाया पी एन ए की मूवमेंट के दौरान और वो एक सिविल मार्शा था सिविल गवर्नमेंट के तहत था अगर इस तरह की कोई प्रोविजन है और सिविल गवर्नमेंट उसके साथ है तो वो करवा दे तो फिर तो वो बिल्कुल उसको आ, काम किया जा सकता है और ये हुआ है जर्लाजम के वक्त में उधर उस जमाने ठीक, में भी हुआ ठीक. लेकिन अगर आप ये समझें कि आर्मी कुछ कर दे तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है और मैं मैं नहीं समझता कि आर्मी आ, आज इस सोच की हामिल है कि वो इस तरह का कोई कदम उठाए जो कि मावरा कॉन्स्टिट्यूशन हो सो मेरा नहीं ख्याल कि आर्मी ये करे अब चीज़ ये है कि अवाम किधर हैं हम लोग मीडिया बाकी लोग किधर हैं कि हुकूमतों से हिसाब लें आप एक चीज़ बड़ी सीधी सी कराची के बारे में नोट करें कि जब ये रेंजर्स की हमने अभी जब मदत बढ़ानी थी तो उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन के तहत ये कहा कि जी ये हमसे इजाज़त लेके किसी पॉलिटिशियन को हार डालेंगे किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को लेकिन फिर कुछ अर्से के बाद अब मुतमिन चुप हो गए ये किसी ने नहीं कुरेदा कि वो चुप क्यों हो गई खामोशी क्यों हो गई आखिर वो शरात वो इतना रोना धोना उस वक्त इतना ज़्यादा टसल चली तो बाद में हुआ क्या कि यह मामला ठीक हो गया चौधरी निसार साहब का कहा गया था कि वो जाएंगे कराची जाके बातचीत करेंगे वो भी नहीं हुई वो भी नहीं गए प्राइम मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग हुई और उसी पे उसके बाद शाह कर दिया था उन्होंने अब एक तो चीज जो जो बाहर गर्दिश कर रही है जिसका बाहर जिक्र आता है और वो हुकूमती सर्कल से जिक्र आता है कि कायम अली साहब ने उन बारह तेरह लोगों के नाम दिए हैं जिनका डॉक्टर आसम ने गिस्कलोजर किए हैं अपने इंटेरोगेशन के दौरान तो उनका गालिबन एक उनको इम्यूनिटी दे दी गई है कि जी इनको हाथ ना लगाएं अच्छा उसके बाद बाकी रेंजर्स तो, तो यानी, तो यानी इस मामला इस तरह फिर रफा दफा हुआ है तो अगर आप अंदर बैठ के मुखमु इस किस्म का कोई कर लेते हैं तो जड़ तो बुनियाद तो वही मौजूद रही नाम में डाला गया तो उस पर भी काफी बरहम थे शाह साहब शाहम है और गालिबन उन बारह लोगों में शर्जील मेमन का नाम भी मौजूद है तो अब अगर ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी हुई है तो फिर आप सोच लीजिए कि आप माशाल्लाह लगाएं या जो मर्जी करें आप करेंगे क्या सही, आ, फौज आ, तो कहते हैं कि चलें फौज का इदारा तो ये कर नहीं सकता या कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की इजाजत नहीं देता हुकूमत के हवाले से जो उन्होंने कहा वो इमरजेंसी के नफाज पे सोच सकती है या कर सकती है क्योंकि एक तरफ तो हम कहते हैं कि बहुत टॉल क्लेम्स भी किए जा रहे हैं और चले उसमें कुछ हद तक तो हम कह भी सकते हैं कि हमारे इदारों ने काम किया है फौज ने भी किया है सिविलियन इदारों ने भी किया है बट गिरफ्तारियां होती हैं एक तंजीम के लोगों की पंजाब के बड़े बड़े शहरों से लाहौर से भी होती हैं गुजरावाला से भी होती हैं सियालकोट से भी होती हैं फिर बाद में हमें बताया जाता है कि नहीं कोई थ्रेट मौजूद नहीं है दाइश का आपके मुल्क में देखें पहले तो मैं थोड़ा सा जो सहगल साहब ने बात की ना देखें एक पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और ये फौज को नहीं ये पॉलिटिशियंस को ही और जो सिविल गवर्नमेंट्स होती हैं उन्हीं को ख्याल रखना पड़ता है मुझे बताएं कि अगर आप एक ऑन स्लॉट करते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड एम एं, क्यू एम मैं ये समझता हूँ कि रेंजर्स को विदाउट एनी फेयर एंड फेवर क्रिमिनल एलिमेंट्स के अगेंस्ट तो प्रोसीड करना चाहिए जो कर भी रहे हैं वो जो कर भी रहे हैं जहाँ तक करप्शन की बात आती है तो लोकल मार्शल लॉ जिसकी कोई प्रोविज़न नहीं है बिल्कुल सही कह रहे हैं जनरल साहब वो एक एमरजेंसी की प्रोविज़न है और उसकी भी अब बड़ी कंडीशन सख्त हैं लेकिन एनी आओ देखें कराची के मसले के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर रेंजर्स आई बिलीव उनको प्योरली अपना काम जो कि लॉ एंड ऑर्डर टेररिज्म से रिलेटेड है वही करना चाहिए विदाउट फेयर एंड फेवर लेकिन जहाँ तक करप्शन की बात है वो फ़ौज का काम है नहीं उसके लिए फौज प्रेशर ज़रूर डाल सकती है जिस तरह मीडिया डाल सकता है मतलब प्रेशर से मुराद ये कि आर्मी चीफ जाके प्राइम मिनिस्टर से बात करें जिस तरह हम मीडिया में लिखते हैं कि वी नीड एन अकाउंटेबिलिटी सिस्टम जिसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स का अतबार हो और अक्रॉस द वोट अकाउंटेबिलिटी हो ये इस बात से मैं अग्री करता हूँ कि हालांकि हालाँकि इफ़ार साहब को बड़ा बदनाम किया जाता रहा लेकिन जो एक्टिविज्म है जुडिशल एक्टिविज्म उसकी हमें ज़रूरत है ऐसे माहौल में जबकि हमारी जो सिविल गवर्नमेंट्स हैं बेशक फेडरल गवर्नमेंट है वो इतनी सीरियस नहीं है टू चेक करप्शन सर वो तो, बात है, कि आपके पास विफाक का इदारा नाब है। उस पर भी आपकी जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ है वो एक बिल मंजूर कर देती है कि जी को सिर्फ विफाक की हद तक इख्तियार होना चाहिए सूबो में इंटरफेयरेंस का उसे भी होना चाहिए अपने भी कोई इदारे नहीं अकाउंटेबिलिटी एक सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में और तमाम इंस्टीट्यूशन के लिए ऐसा नहीं कि जजों के लिए अलग कुछ रूल हो जनरलों के लिए अलग रूल हुँ। हुँ। हो सियासतदानों के लिए अलग कानून हो ऐसा नहीं होना चाहिए उसके तो तो लिए है ने, ने, वो 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 मुश्किल 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 है 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 मैं यही कहता हूँ देखें अगर हमें इस मुल्क के बारे में सोचना है ना मुल्क के बारे में तो फिर अपनी अपनी बरादरियों के बारे में हमें नहीं सोचना पड़ेगा कि जी ये मेरी बरादरी है मैंने अपनी बरादरी को बचाना है अगर मुल्क के बारे में सोचना है तो फिर एक सेट ऑफ रूल यह होना चाहिए कि किसी भी शोबे में किसी भी करप्ट को बर्दाश्त नहीं करना और उसके लिए इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी कमीशन की जरूरत है जो कि अक्रॉस अच्छा, दाइश की बात देखें एक कंट्रोवर्सी चल रही है इतने अरसे प्रेसिडेंट ओबामा की बड़ी सख्त स्टेटमेंट आई जो कि आई बिलीव इट वो बड़ी गलत स्टेटमेंट थी पाकिस्तान से रिलेटेड यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने भी अभी दो दिन पहले कुछ कहा दाइश की मेरी नज़र में और जो में, मैं मैं इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर आपको कह रहा हूँ कि दाइश की पाकिस्तान में कोई ऐसा ऑर्गेनाइज uh, एक स्ट्रेंथ नहीं है लोग उनके ठीक है मौजूद थे और अभी रिसेंट पास में कुछ हमारी सिविल और मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मिलकर बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया और इनके डजन लोग पकड़ लिए लेकिन वो इतने इस्टेब्लिश नहीं थे अब इसलिए आप देखें कि हमारे जितनी भी टेर्रिज्म हुई है अभी तक कोई भी एक इंसिडेंट ऐसा नहीं है कि जो दाइश ने किया सारे ठीक है सफूरा में थोड़ा सा एक लिंक है लेकिन अदरवाइज कोई भी सो so, इन्होंने डिसमेंटल किया Right. तो आप उसमें उन्होंने यही उसको ठीक है इसपे बात करते हैं इकराम सहगल साहब के लिए मुझे कहा जा रहा है ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को यही से कंटिन्यू करेंगे जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशाम सहगल साहब ब्रेक पे जाने से पहले जो बात कर रहे थे फॉरेन ऑफिस का जो रिस्पांस हम देखते हैं खासकर उनके तर्जुमान की तरफ से वो हमें यही बताया जाता है कि यहाँ पर दाइश की कोई ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंस नहीं है फिर एक और स्टोरी मेरे सामने सेनेट की फॉरेन अफेयर्स कमेटी

उससे पहले मैं जनरल अमजद शहैद और अंसार अब्बासी की जो कमेंट्स है उस पर थोड़ा सा मैं जरूरत करना चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल अमज शहैद मेरे कोर्स के हैं ये हम इन पर फख करते हैं ये थ्री स्टार जनरल बने हमारे कोर्स से लेकिन जनरल अमजद शहैद एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ के हिस्सा थे चार साल तक ठीक है जी और उनके बूह से यह जेब नहीं करता कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर मैं कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन मेजर नहीं बोल रहा हूँ लोकल मार्शल लॉ वो फेडरल गवर्नमेंट का अख्तियार हो सकता है कि वो लोकल मार्शल लॉ करे इमरजेंसी डिक्लेयर करे एंड दैट इज़ वेरी मच विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है जी दूसरी अनसार साहब का वो खुद जानते हैं कि मेरे इनके साथ ज़ाती तल्लुत है और मैं भी इनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन जब एक सिचुएशन आ जाता है जहाँ पर आपकी एक गवर्नमेंट वो कहती है कि जी करप्शन में इन्वॉल्व लोग हैं उसको आप ना छेड़ें आप खाली जाएँ दहशतगर्दी ये कौन सी बच्चों वाली बात है देखिए करप्शन ऑर्गेनाइज क्राइम और दहशतगर्दी में एक नक्सस है जो करप्शन है फॉर एग्जांपल हर करप्शन ऑर्गेनाइज क्राइम में ज़रूर जाता है लेकिन टेररिज्म uh, में नहीं जाता है लेकिन इस मामले में फ़िशरमैन सोसाइटी uh, के वाइस चेयरमैन ने स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑन रिकॉर्ड कि भाई थोड़े पैसे बिलावल हाउस जाते थे थोड़े जिहादियों को जाते थे और इनको जाते थे उनको जब पूरे हमने लिस्ट दिया हुआ नाम का जी। दूसरी बात डॉक्टर आसिम के जो कुछ जो डॉक्टर थे इंचार्ज जो उनके वार्ड थी जो ट्रीट करती थी दहशत गर्दों को और मिलिटेंट्स को कराची के उनने नाम दिया है कोई छः आठ सौ आदमी इन्होंने ट्रीट किए हैं ये ट्रीट करते थे और फिर जाके फिर लोगों को मारते थे तो ये तो लोग एक्सेसरीज टू मर्डर हैं ये कोई करप्शन के अंदर नहीं इन्वॉल्व हैं ये एक्सेसरीज टू मर्डर हैं ठीक है जी तो आप आपकी एक्स्ट्रा एक सिचुएशन है आप ये नहीं मैं ये नहीं कहता कि आप सवा, सवाल सवाल यही उठता है।, है जिस तरह आप जिस तरह आप तश्वीश का इजहार कर रहे हैं उस तरह हम भी यही सवाल उठा रहे होते या एक आम आदमी से सड़क चलते राह चलते पूछेंगे तो वो कहेगा कि जी रोज हम सुनते हैं नाम आते हैं डॉक्टर आसिम ने भी नाम ले लिए सोलत मिर्जा ने भी नाम ले लिए टेप भी सामने आ गई आमिर खान ने भी नाम ले लिए मतलब लेकिन होता कुछ नहीं है उन नामों से ना कोई पूछ होती है फिर बाद में शवाहिद का मामला भी सामने आ जाता है देखिए वो तो सारा भाई साहब ने क्लियर कर दिया कि एविडेंस लॉ जो आपकी एक्ट है वो बड़ी वीक है वो फ्लॉड है ठीक है ना जी इसलिए आपकी मिलिट्री कोर्ट्स आए तो मिलिट्री कोर्ट जब आ गए तो आप मिलिट्री कोर्ट्स को इस्तेमाल भी करें ना आप मिलिट्री कोर्ट्स को छोड़े ना बट बात ये है कि आप किसी जो जो गवर्नमेंट एब्सोलटली बोलते हैं कि ब्लेटेंटली सपोर्ट करती है कि करप्शन के अंदर वो और वो करप्शन के अंदर आप देखते हैं लिंकेजेस हैं टेररिज्म के साथ तो आप उसको इग्नोर किस तरह कर सकते हैं ठीक है जी आप पीपल्स अमन कमेटी को इग्नोर कर सकते हैं किस किस को नहीं बच्चे बच्चे को पता है कि ुल्फ्फार मिर्जा यहाँ क्या करता था पीपल्स अमन के उजैर बलोच के साथ उजैर बलोच वो फुटबॉल खेलता था लोगों के सरों के साथ लियारी में सबको बिठा के ये वीडियोज हैं इसके बारे ये ये छुपी बा, वाली बात नहीं है और उस दिन कार मिर्जा ने स्टेटमेंट दिया कि उजैर बलोच मेरा भाई है ठीक है बात यह है कि जी एक लिमिट होता है डेमोक्रेसी का भी एक हद होता है सिविलाइज सोसाइटी का जब वो लाइन क्रॉस हो जाए फेय सेफ लाइन क्रॉस हो जाए तो फिर गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि अपने राइट्स ऑफ सिटीजन को प्रोटेक्ट करे और वो वो एक्शन ले पूरी

मुख्त जैसे जनरल आजम खान के दौर में भी ये लगे वो हुकूमतों ने खुद लगाए थे ऑर्डर किए थे चुनाची अगर उस तरह का कोई अरेंजमेंट वो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ऐसे ये हुकूमत या कोई इस तरह के मूड में है कि मैंने फिर बताया कि इनकी कनाइवेंस मुझे नज़र आ रही है जहाँ मैंने बारह आदमियों का जिक्र किया कि उनको बचाने के लिए गालबन एक अंडरस्टैंडिंग पहले से डेवलप कर ली गई है सिंध के मामले में तभी सिंध वाले मतम आपको नज़र आ रहे हैं तो इस वजह से तो तो फिर साहब तो तो हाँ के 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 आपने नहीं जो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप उठाना आपने तो वो पाकिस्तान के जरिए उठाया जाएगा और हुकूमत पाकिस्तान अगर एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने में लग गए और उनका आपस में मिलाप हो गया इस काम के ऊपर

और पाकिस्तान ने इस दफा बेस्ट एवर हालांकि कोई इतना अच्छा स्कोर नहीं है लेकिन फिर भी तीस नंबर लिए उन्होंने स्कोर लिया है सो और और पिछले पंद्रह सालों में मैं मुशरफ साहब की भी जब मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट पिछले पंद्रह सालों में कोई थी तो मुशरफ साहब की थी और उससे पहले अगर कोई सबसे करप्ट थी तो बीबी बेनज़ीर भुट्टो साहब की थी जब पाकिस्तान सेकंड मोस्ट करप्ट नेशन था टुडे वी आर द फिफ्टी थर्ड मोस्ट करप्ट नेशन तो ऐसा तो नहीं है और वैसे भी मैं आपको बताऊं नैब को एक्टिव किया गया और ये मैं आपको बताऊं कि एक थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग है Rangers, NAB, extent, के तो की कुछ पोलिटिकल गवर्नमेंट्स फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ चूके आप देखें अगेंस्ट दूम और पीपल्स पार्टी को एट द सेम टाइम नहीं पुश कर सकते बिकॉज ये सिंध की हम बात कर रहे हैं ठीक है तो जहां करप्शन की जो बात है तो ना तो दे बारा... दे बारा... देखें करप्शन का मैं फिर दोबारा ये कहूंगा ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें हम कराची को तो क्लीन करेंगे करप्शन से और रेस्ट ऑफ पाकिस्तान उनके बारे में हम कुछ नहीं करेंगे को तो हम थोड़ा सा और वो भी पीस पार्टी को थोड़ा सा हम फोकस करेंगे लेकिन बाकी जो है इंस्टीट्यूशन या, या बाकी सियासी जमाते, जमाते हैं उनको हम पर... टच नहीं करेंगे ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता अक्रॉस द बोर्ड और सबका तमाम स्टेक होल्डर्स का एतमाद होगा तो फिर ये करप्शन के अगेंस्ट क्रूसेड होगा अदरवाइज नहीं हो सकता ठीक है एक ब्रेक यहाँ पर लेंगे और ब्रेक से वापस आकर जो दायश के हवाले से सवालात उठाने की प्रोग्राम में कोशिश की थी कुछ तश्नगी रहेगी ब्रेक से वापस आकर इनके जवाबात लेते हैं अपने पैनलिस्ट से स्टे ट्यून्ड देगा क्या हुकूमत या हम लोग स्टेट ऑफ डिनाइल में हैं या हम ही बढ़ा रहे हैं कि जी दाइश आ गई है लोग पकड़े जा रहे हैं वो जो कहते हैं कि ऑर्गेनाइज प्रेजेंस नहीं है मामला ऐसा ही है सर आपकी नज़र में मिस मिसअंडरस्टैंडिंग है दाइश के बारे दाइश जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो एरिया ऑक्यूपाई करती है आप जाके देखें उन्होंने एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है सीरिया के इराक़ के और गुरदस्तान के टर्की के बॉर्डर के ऊपर सिमिलरली लिबिया में उन्होंने एक एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है इसी तरह उन्होंने चंद अफ्रीकन कंट्रीज में जिस तरह बोका हारम को बोलते हैं उनके साथ है। तो इन्होंने दाइ जो है वो एरिया ऑक्यूपाई करती गुरल नॉर्मली एरिया ऑक्यूपाई नहीं करते हैं गुरल टेर्रिस्ट इस्तेमाल करते हैं टेररिज्म जो है वो गुरल एक्टिविटी कभी कभी करती है यहाँ पर अगर आपके पास वजीरिस्तान में आपके पास स्पेस होता ऑपरेशन जरब अजब नहीं होता तो उनके पास स्पेस होता तो उस वक्त अगर दाइश डिक्लेयर कर देती ये टेरिटरी हम होल्ड कर रहे हैं और दाश यहाँ पर है वो कर सकते थे दूसरी तो बात ये है कि जो काफ़ी छोटे छोटे इदारे होते हैं जो देखते हैं कि भाई हमारे पास और कोई चारा नहीं हम अंडर प्रेशर हैं तो वो कोशिश ये करते हैं कि बड़े के इदारे को ज्वाइन कर देने फ्राम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दाश के हामी पाकिस्तान में ज़रूर हैं लेकिन वो अभी तक उनकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी नहीं थी कि वो टुगेदर आके एक पॉजिटिव थ्रेट बनते पाकिस्तान के लिए तो डेफिनेटली इसमें आप समझे कि हुकूमत ने काफी काम किया है कि उनकी जो डैश की जो एक्टिविटी है वो काफी उन्होंने ब्रेकअप की है और वहाँ पर इनके सपोर्टर जरूर होंगे लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं है पाकिस्तान में जहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम इस एरिया को होल्ड कर रहे हैं और ये दाइश का इलाका है जिस दाइश ऑपरेट करती है देखिए दाइश अफगानिस्तान में भी है लेकिन उन्होंने कोई टेरिटरी उन्हें ऑक्यूपाई नहीं किया क्योंकि तालिबान ने उनके पास उनको ऑक्यूपाई नहीं करने दिया तो सिमिलरली ये दाइश की ये मिसअंडरस्टैंडिंग है ना एज फार एज पाकिस्तान इज़ कंसर्न जो चौधरी निसार साहब कह रहे हैं और फॉरन ऑफिस कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शोएब सुल्तान साहब साहब रॉन्ग नहीं थे उन्होंने ये जरूर कहा था कि हमने ये देश की एक्टिविटी ब्रेकअप की है और ये वगैरह और हमें हदशा है अप्रीहेंशन है कि हो सकता है कि आगे देश की एक्टिविटी हो सकती है अगर हम कार्रवाई ना करें तो अगर आप नेशनल एक्शन प्लान पर कार्रवाई करेंगे तो ये आपके देश की एक्टिविटी और आप उसकी मोमेंटम रखेंगे तो देश की एक्टिविटी एक तो चीज थ्रेट को एक्नॉलेज करना आप कह रहे हैं कि बड़ी बात है वो जो कर रहे हैं और वो चीज होनी भी चाहिए ठीक है कुछ कहना चारे? चारे? दूसरी बात मैं एक बात आ, मैं एक चीज चाह रहा क्योंकि मेरे दोस्त है देखिये अभी आपके पास एक मार्शल लॉ है मौजूद इमरजेंसी के तौर पर फाटा के इलाके में स्वाद के इलाके में वह मार्शल लॉ जरूर है आप उसको कुछ भी बोल लें इमरजेंसी बुला लें कुछ भी बुला लें बट इट इज अंडर मिलिट्री रूल एट द मोमेंट ठीक है जी तो आप ये नहीं गुजर सकते कि आप एक पाकिस्तान की जगह में आप मिलिट्री रूल अलाउ कर दें और दूसरे पाकिस्तान में आप डंडरा पीटे के जी हम लोकल मार्शल लॉ नहीं कर सकते। ना करें। उसको ना ना बुलाएं। रूल है हाँ। मैं, मैं दाइश के हवाले से जो इकराम सहगल साहब ने बात की वो जो फॉरेन ऑफिस का मौकफ है वो बिल्कुल दुरुस्त है एक तो हम देखते हैं कि यहाँ पे उनकी इमरजेंसी या जो टॉप पोजिशन के लिए पाकिस्तान में दाइश अपने लोगों को नॉमिनेट करती है फिर दूसरी तरफ कार्रवाइयां भी होती हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन को सर उठाने से पहले ही कुचल दिया जाता है साथ ही साथ ये जो लोकल टेरर साथन इनके सपोर्ट की बात की जाती है आर्मी चीफ ने भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस हवाले से जिक्र किया था जी जी। ये कितना हेल्प करती है उन्हें इमर्ज करने में तो मैं इसमें दो चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं एक तो ये बात दुरुस्त है कि जो दाइश

जिसकी वजह से जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है पढ़ा लिखा तबका वो अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि उसको वो बड़े तो वो वो बड़े अट्रैक्टिव लिटरेचर है भी फिर काउंटर नैरेटिव उसके लिए हमने कोई नहीं रखा जहां लोगों को वजाहत करते कि भी हमारे उलमा कह रहे हैं कि ये ख्वारजीज हैं तो अगर ख्वारजीज हैं तो क्यों हैं क्या चीज़ें हैं जो ये इस्लाम की जो है उनको उनके अंदर वो कंट्रोवर्सीज हैं या कंट्रोडिक तो एक तो वो इशू है जिसको हमने एड्रेस नहीं किया दूसरा ये है कि दाइश का एक जो उसका उसकी थ्रस्ट जो है वो एक सेक्टेरियन उसका एज है जो कि उन्होंने अपने इलाकों में जो हार्ड को सुनी जिनको के आप यूँ कह लीजिए कि वो वहाज़म की तरफ माइल थे उनको तो साथ में लाया हुँ. और बाकी शिया पॉपुलेशन को वो कत्ल करते रहे यानी दूसरे लफ्ज़ों में हुकूमत तो करते हैं लेकिन जो उनकी है हुकूमत को कायम रखने की वो टेरिज़म है अच्छा उसमें जो हमारे पास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पर्टिकुलरली लश्कर जंगवी और सिपाही सहाबा वगैरह ये अपना स्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड कर सकती हैं और यहाँ ऑर्गेनाइजेशन बनने के चांसेसूद हाँ। से बन तो मैं ये समझता हूँ कि फॉरेन ऑफिस आज की बात तो दुरुस्त कर रहा है लेकिन फ्यूचर के मामले में यहाँ फिक्रमंद होना चाहिए क्योंकि जो मुझे अलामत नजर आती है उसमें यूं लगता है कि ये ना हो कि यही जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहां थी ये अपना स्ट्रक्चर ये कल को अपना नाम रखने दाइश और जो लोग आज इनके नीचे ऑपरेट कर रहे हैं वो दाइश को ऑपरेटर इनके साथ है होता होता नाम तब्दील, नाम तब्दील करके हो जाता जो है। तो चूंकि हमने लश्कर जंगवी और सिपाही साहबा को बहुत अरसा से को पिछले तीस पैंतीस साल से हमने इनको बर्दाश्त किया तो इनकी रूट्स तो बहुत गहरी है इनका स्ट्रक्चर गो के वीक हुए हैं लेकिन उसके बावजूद

बहुत सी चीज़ें तो हम कर रहे हैं लेकिन एक आपको पता है नैरेटिव हमारा भी होना चाहिए गवर्नमेंट का भी नैरेटिव होना चाहिए और हम ये समझते हैं कि ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन uh, हैं जिन्होंने एक्सट्रीमिज़म की तरफ गए हम कहते हैं कि इसका रीज़न रिलीजन था ठीक है जी हम ये कहते हैं और हम खुद अपने आप को मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ और रिपीटेडली प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा मेरा कंसर्न यह है कि पाकिस्तान की बुनियाद को आप हिला रहे हैं जब आप कहते हैं ना कि हम लिबरल आप अपने बुनियाद को मत छेड़ें। आप अगर आपने ये मुल्क इस्लाम के नाम के ऊपर बनाया तो हमें इस्लाम से शर्माना नहीं चाहिए हमें ट्रू इस्लाम तरह अभी ये जनरल साहब कह रहे थे ना

ये इतना सीरियस मैं आपको बताऊं ये बात है अगर आप इस तरह देखें अगर कोई मिस इंटरप्रेट कर रहा है सुनिएगा नवाज शरीफ साहब ने ये बात के मुंह नहीं नहीं अगर अगर तो तो से ही दूर हो जाए तो इस पे भी थोड़ी बहस कर सकते लेकिन वक्त की बासी जनरल अमजदेफ साहब और इक्राम सैगल तीनों की तशीफ अब्रीका में इजाजत दीजिए खुदा